देखिए गाइस, हम लोग सोचे बुधा पार्क से इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, तो ये जो हमारे भैया आए हैं बोले चलो तुमको शॉर्टकट रास्ता ले चलते हैं। अब देखिए कहाँ घुसा दिए हैं, देखिए इधर रास्ता है, देखिए तो गाइस यही है पटना का इस्कॉन टेम्पल जो बना है। ये देखिए गाइस यही कैंपस है, इस्कॉन टेम्पल है, माँ की बिहारी जी का हम लोग जाए। देखिए गाइस, हम लोग सोचे बुधा पार्क से इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, तो ये जो हमारे भैया आए हैं बोले चलो तुमको शॉर्टकट रास्ता ले चलते हैं। देखिए कहाँ घुसा दिए हैं, देखिए इधर रास्ता है, देखिए तो कहाँ घुसा दिए। क्या भैया आप क्या करते हैं, रास्ता का नाम में कहीं कप्चा में घुसा दे रहे हैं आप बताइए तो मिलते हैं आप लोग इस्कॉन टेम्पल में। ये देखिए गाइस यही है अपना का इस्कॉन टेम्पल इधर। जूता चप्पल खोलने का व्यवस्था बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा तरीके से, यही अपना जूता रखेंगे अंदर चलते हैं। हम लोग ऊपर की ओर चल रहे हैं दोस्तों, बाकी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आप लोग को भी दर्शन कराएंगे। और ये हमारे मित्र विशाल और ये भैया, देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं भगवान बाकी बिहारी जी का दर्शन करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आपको भी बाकी बिहारी जी का दर्शन कराएंगे, मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस्कॉन टेम्पल का ऊपरी हिस्सा का कैंपस है, जहाँ पर लोग फोटो खींचते हैं, एक तरह तरह की पुस्तकें हैं और भगवान की मूर्तियाँ हैं, ये सब देख सकते हैं। ये कैंपस के साथ आप लोग इंटरेस्टेड है तो आगे ये सब ये देख सकते हैं, और यहाँ पर लोग ये सब हल्की पॉइंट है, फोटो पॉइंट यहाँ पर सब देखना है।
दोस्त कैसा लगा? बहुत मजा आया कि बांके बिहारी जी हमारे राधे कृष्ण वर्ग को नहीं परम परम आत्मा है। वहाँ यहाँ पर आके आपको एक बहुत ही अद्भुत पॉजिटिविटी महसूस होगा। आप लोग यहाँ पर आएंगे तो अगर पटना अगर आप लोग आए तो जरूर इस्कॉन टेम्पल विजिट करें, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल पा के आपको अद्भुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जो कि हम लोग भी फील कर पा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं भैया, बताइए आपको अद्भुत थिंकिंग नहीं कर सकते कि यहाँ पर मन शांत हो जाता है एकदम अद्भुत अद्भुत। आप लोग अगर पटना आए जरूर जरूर आइए इस्कॉन टेम्पल आए, क्योंकि इससे अच्छा जगह अभी आपको नहीं मिलेगा। महावीर मंदिर बगल में पटना लगभग वहाँ भी जरूर जाएं और इस्कॉन टेम्पल भी आए। अभी नया नया बनाया गया है भक्तों द्वारा और भक्तों का हुजूम भी यहाँ पर जरूर बहुत आ रहा है। अंदर आप देख ही पा रहे होंगे कितना आरती में लोग हैं, बाहर कैंपस में भी आप लोग देख पा रहे होंगे लोग हैं। हम लोग अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम जहाँ जहाँ भी पटना में जाएंगे आपको अपलोड करते रहेंगे। अगर आप लाइक कीजिएगा तो हमको स्थान मिलेगा कि हमारा फेसबुक भी लोगों के पास आ रहा है, कैसा हो रहा है देख पा रहे हैं आप। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लिप में। तो गाइस हम लोग इस्कॉन टेम्पल को जितना एक्सप्लोर कर सकते थे अभी फिलहाल तो कर दिए हैं और हम लोग अब घर जा घर की ओर जा रहे हैं। देख पा रहे हैं इधर से एग्जिट है और भगवान को प्रणाम हम लोग भी कर लेते हैं। जय हो बांके बिहारी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव महसूस हुआ बाबा के दरबार में आके। आप लोग भी अगर फर्स्ट टाइम पटना विजिट करते हैं इस्कॉन टेम्पल विजिट करना एकदम नहीं भूलें। क्या दोस्त इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल एक अद्भुत जगह बना गया है पटना में जहाँ पर अभी भक्तों का भीड़ भी बहुत लग रहा है। तो आप लोग भी अगर पटना आए तो यहाँ पर जरूर एक्सप्लोर करें। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह आप लोग देख ही पा रहे होंगे हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। जहाँ भी हम पटना में जाएंगे आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अभी के लिए बाय गाइस। तो देखिए हम लोग पूरा घूम घूम के थक गए हैं, टपरी पे चाय पी, चाय के टपरी पर आए हैं, चाय पी रहे हैं और विशाल भैया आज खूब घूमे हैं गाइस। आप लोग को ब्लॉग के माध्यम से दिखने को मिलेगा कि हम लोग गए थे बुद्धा पार्क, पूरा बुद्धा पार्क को एक्सप्लोर करने का कोशिश की है आप लोगों के लिए। फिर इस्कॉन मंदिर भी गए जिसका ब्लॉग आपको दूसरा ब्लॉग में मिलेगा इस्कॉन टेम्पल का, तो वहाँ भी बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा इसलिए वो ब्लॉग आप लोगों को इस्कॉन वाला दूसरे ब्लॉग में मिलेगा और बुद्धा पार्क वाला पहला ब्लॉग में मिलेगा। तो आप लोग अपना प्यारा इंस्टा जरूर बनाइएगा, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोग ये चाय पी के निकलेंगे घर। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय गणेश, जय हिंद।